आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पके हुए आम की चटपटी सी सब्जी, जिसमें हम इसके पल्प के साथ साथ गुठली का भी यूज़ करेंगे और ये बड़े छोटे सबों को बेहद पसंद आएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना, वेलकम टू आज इज़ फूड एंड इन्फो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आम की सब्जी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 7 से 8 आम। ये आम पन्ना बनाने के लिए लाए गए थे जो बचे हुए हैं और ये पूरी तरह से पक चुके हैं, तो इसी का यूज़ मैं आम की सब्जी बनाने के लिए कर रही हूँ। आप बड़े छोटे किसी प्रकार के भी आम का यूज़ सब्जी बनाने में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे धो लेंगे और इसे छील लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे आमों को छील लिया है। अब हल्के हाथों से इसे इस तरह से दबा लीजिए, जिससे ये सॉफ्ट हो जाएंगे और हमारी जो ग्रेवी तैयार होगी वो अच्छी तरह से इसके अंदर जा पाएगी। देखिए यहाँ पे मैंने सारे आमों को मैश कर लिया, इसे रख देते हैं साइड में। मसाला तैयार करने के लिए ले लेंगे ग्राइंडिंग जार और उसमें ले लेंगे 1 बड़ा कटा हुआ प्याज, 1 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, 7 से 8 काली मिर्च। अब थोड़ा सा पानी लगाकर इसका महीन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मसाला पीसकर तैयार हो चुका है। अब ले लेंगे कढ़ाई, उसमें ले लेंगे 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड तेल। तेल के गर्म होने पर हम डाल देंगे इसमें 1 छोटा चम्मच सौंफ और 1 छोटा चम्मच मेथी के दाने। जब ये अच्छी तरह से चटक जाए तब इसमें हम डालेंगे हमारे पीसे हुए मसाले और 1 से 2 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पका लेंगे। लगभग 1.5 मिनट के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये तीखा नहीं है, और साथ में डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा पानी लगाकर इसे भी 1 मिनट के लिए हमें अच्छी तरह से भून लेना है। अब सब्जी की ग्रेवी तैयार करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ 4 बड़े चम्मच दही, ये प्लेन दही है। इसे एक बार अच्छी तरह से फेंट लेंगे और इसे हम डाल लेंगे हमारे मसाले में। अब सबसे पहले गैस के फ्लेम को लो कर लेंगे, उसके बाद हम इसे मसाले में डालेंगे, जिससे ये हमारी दही फटेगी नहीं और साथ में डालेंगे 1/4 कप पानी, जिससे हमारी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। एक बार मिक्स कर लेंगे। अब आम के खट्टे को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच गुड़। अगर आम आपकी मीठी हो तो इसमें आप 1 चम्मच गुड़ डालें। गुड़ डालने से हमारी सब्जी चटपटी बनकर तैयार होगी। देखिए इसमें एक उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे आम। अब डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। अब इसे मिक्स कर लेंगे और इसे 2 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। लगभग 2 मिनट के बाद हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से पक चुकी है और थिक हो चुकी है। लास्ट स्टेप बाकी है, इसमें हम डालेंगे तड़का। तड़का के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1 चम्मच घी और इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच सरसों, साथ में 2 सूखी लाल मिर्च और थोड़े से करी पत्ता। इसके अच्छी तरह से चटक जाने के बाद इसे हम डाल देंगे सब्जी में और लीजिए तैयार है हमारी चटपटी पके हुए आम की सब्जी। आप इसे सर्व करिए गर्मा गर्म चावल या चपाती के साथ, बड़े छोटे सभी बहुत पसंद करेंगे। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली टेस्टी रेसिपीज़ आपसे मिस ना होने पाए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।